Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.

ये ब्लाउज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसके बहुत सारे कलर थे इसका ब्लैक कलर भी बहुत सुंदर था बट मैंने ब्लू कलर इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर नहीं था ये देखोगे आप तो इसमें आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ मिलता है स्लीव ऐसा नहीं है कि स्लीवलेस है तो बहुत ही कम है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इससे भी पतली स्लीव का आता है जो आपका स्लीवलेस रहता है बिल्कुल पतला सा रहता है बट ये फिर भी ठीक है इसमें ना आप देखोगे तो राउंड नेक आपको सामने मिलता है फिर यहाँ पर आपको ना फ्लावर से लगे हुए हैं ये जो आप देख रहे हो पूरे फ्लावर से लगे हुए हैं कई कलर के मल्टी टाइप के जब आप पल्ला लेते हो तो ये फ्लावर आपका साइड में देखेगा पल्ला आपका इस साइड में आता है तो एक साइड उन लोगों ने दिया है इसमें स्लीव आपके अंदर मिल रही है स्लीव लगाने के लिए अंदर मिल रहा है, आप अगर अगर स्लीव लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं आ, अगर मुझे लग, मतलब मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मुझे लगता है कि स्लीवलेस ज्यादा बेस्ट है फिर इसके बाद ना बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड आप देखोगे तो वैसे ही राउंड नेक आपको बैक साइड में मिलेगा फिर उसके बाद पीछे से बैक ओपन है और यहाँ पर आपको हुक मिल रहे हैं तो ये वाले जो हुक होते हैं मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें क्वालिटी आ, क्वालिटी तो ये अच्छी रहती है क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती बट आप ना कभी भी मैंने ऐसा देखा है कि जब हम पहन के कभी भी ऐसा होता है कि लेफ़्ट राइट हो रहे हैं या फिर झुक रहे हैं कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो ये पीछे से हुक अचानक से खुल जाता है और पता नहीं चलता है तो ये चीज़ें आप मत करिए इसमें देखिए सिलाई करके लोगों ने दे दिया है यहाँ से आप सिलाई खोल के और फिर इसमें ना आप अपना हुक आई जो भी आप बनाते हो आप खुद से घर पर बना सकते हो आपको नहीं तो आप अपने टेलर को दीजिए और लेकिन इसकी कपड़े की क्वालिटी उन लोगों ने बहुत अच्छी दी है इसकी जो जो लगा हुआ है, कफ जो लगा हुआ हुआ है 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 कफ कफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिनको चौंतीस तक के होते हैं ब्लाउज चौंतीस छत्तीस उनको आराम से आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये ब्लाउज अच्छा था इसके बहुत सारे कलर हैं आप जो कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कलर ऑर्डर कर सकते हो अब अपने सेकेंड ब्लाउज की तरफ चलें तो सेकेंड ब्लाउज मेरा ये है ये ब्लाउज़ मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाया था क्योंकि गोल्डन ब्लाउज बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ होता है और अभी वेडिंग के टाइम है तो वेडिंग के टाइम पे तो यूज़ होते ही है अभी वेडिंग का टाइम क्या है कि अब तो चीज़ें ख़त्म हो रही है दिसंबर के बाद चीज़ें ख़त्म होने लगती है लेकिन फिर जनवरी से वेडिंग का टाइम चालू हो जाता है तब के हिसाब से भी आप देख सकते हो गोल्डन ब्लाउज आपको ये मिलेगा पूरे में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा शाइनिंग है तो इसको हम लोग पार्टी में ही वेयर कर सकते हैं मतलब विदाउट आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आप ऐसे पहन के कहीं चले जाओगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा सिर्फ पार्टी वेयर है राउंड नेक सामने से मिलता है बैक की बात करें तो बैक भी ऐसा राउंड नेक मिलेगा इसका भी कव उन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है क्वालिटी वाइज ये आप देख रहे हो तो काफी अच्छा दिया हुआ है अंदर आपको स्लीव मिलती है आप अगर स्लीव लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं बट इन सब चीजों में यहां तक की स्लीव आती है तो फिर वो अच्छा सा दिखता ही नहीं है बट आपको अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्लीव के बिना आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आप लगवा सकते हो और इसमें जो स्टिचिंग वगैरह लोगों ने की है काफी अच्छी स्टिचिंग की है साइज में आपको मैंशन करते जाऊंगी और इसमें अंदर देख रहे हो आप तो अंदर भी काफ़ी फैब्रिक है अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको आ, कभी हेल्थ हमारी बढ़ती है कभी कम होती है इस टाइप से भी होता रहता है तो आप इसको कम ज़्यादा अपने ब्लाउज को करवा सकते हो और इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ कि पीछे साइड भी ना एक डोरी दी हुई है मतलब स्लीवलेस तो चौड़ा सा है पीछे साइड भी आपको ऐसी डोरी दी हुई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पहनने पे और पीछे भी ना वही आई और हुक दिया हुआ है तो इसको आप नॉर्मल जैसा आपको अच्छा लगता है अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप करवा सकते हो नहीं तो फिर आप इसको भी चेंज करा सकते हो अब अपने अगले ब्लाउज़ की तरफ चलें तो अगला ब्लाउज़ मेरा ये है ये मैंने कॉटन में मंगवाया था और कॉटन में मंगवाने का मतलब एक था कि कॉटन की साड़ी के पर्पज़ से ये आप देखोगे तो इसमें फ्रंट ओपन है फ्रंट में आप आपको ना यहां पर आपको पाइपिंग मिलती है यहां पर आपको सामने फ्रंट में पाइपिंग मिलती है फिर इसके बाद आपको इसमें जो होकाई मिल रही है सेम जिसकी मैं बात कर रही हूं उस टाइप की आपको ये होकाई मिलती है जो हम लोगों की देसी होकाई होती है वो है और इसमें अगर हम नेक की बात करें ना तो राउंड नेक के साथ आपको पाइपिंग मिल रही है राउंड नेक के साथ आपको ऐसी पाइपिंग मिल रही है फ्रंट का आपको नेक हल्का सा बड़ा मिल रहा है यानी कि फाइव से सिक्स इंचेस का आपको फ्रंट मिलने वाला है बैक की अगर हम बात करें तो बैक में आपको इस तरीके से डिजाइन मिलेगी चौतीस मैंने साइज मंगवाया हुआ है बैक में आप देख रहे हो यहां पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है और फिर वही एम्ब्रॉयडरी आपको स्लीव में मिलेगी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी उन लोगों ने दिया है अगर आप कोई कॉटन की साड़ी ब्लैक कलर की पहन रहे हो और थोड़ा सा डिफरेंट आपको रखना है कि रेड कलर का ब्लाउज डिफरेंट पहन रहे कुछ इस टाइप सा अगर आपको पैटर्न अपना मतलब अपना लुक लेना है तो आप ले सकते हो अच्छा लुक आता है प्यारा सा लुक आता है मुझे इस टाइप की चीजें बहुत पसंद आती हैं लेंथ की अगर हम बात करें ना तो लंबाई भी काफी दी है मतलब आपको ऐसा कुछ अगर आप नहीं पहनते हो तो बात की बात है बट अगर आपको लगता है कि आपके ब्लाउज की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए कम लंबाई हम नहीं पहन रहे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है चौदह इंचिस की करीब इन लोगों ने लंबाई दी है तो काफी अच्छी लंबाई भी है आप अच्छा सा लुक ले सकते हो कॉटन की साड़ी पर अब अपने अगले ब्लाउज की तरफ चले तो अगला ब्लाउज मेरा ये है इसको मैंने एक सिल्क की साड़ी बनारसी साड़ी के साथ पहना हुआ था बनारसी सिल्क की साड़ी के साथ वेयर किया हुआ था बट उसकी कोई मैचिंग नहीं थी बट ब्लू सेम है तो ये आप देखोगे तो फ्रंट पे आपको ऐसा वी नेक मिलने वाला है इसका ऑरेंज कलर आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो मेरा आ, मतलब मैंने आ, दूसरे हॉल में किया हुआ था और ये ब्लाउज़ मुझे पसंद आया था तो फिर मैंने और भी ऑर्डर किए हुए थे बैक साइड अगर आप देखोगे तो बैक साइड भी आपको वी नैक मिलेगा फ्रंट का वी नैक थोड़ा सा डीप है बट इतना भी डीप नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा डीप है तो कोई भी गोल्डन कलर के कपड़े से आप लेस से यहाँ पर बंद करा सकते हैं या तो फिर आपके पास ऐसे ही फैब्रिक कुछ हो या फिर टेलर के पास आप जाएंगे तो वो आपका कर देंगे ये और आपको ये स्लीवलेस मिलता है बैक में भी आप देखोगे तो ऐसे कपड़े की डोरी बनी हुई है अगर हम ओपन करें देखें तो इसमें आपको कोई भी स्लीव नहीं मिल रही है मतलब ये स्लीवलेस ही है कोई स्लीव अलग से अटैच करके लोग नहीं दे रहे हैं तो वगैरह काफ़ी अच्छा है क्वालिटी अच्छी है गोल्डन कोई भी ब्लू कलर की साड़ी है जिसमें गोल्डन वर्क है और उसके साथ सेम आप ऐसा पहन सकते हो ऐसा नहीं है कि सेम ब्लाउज़ नहीं पहन सकते हो सेम ब्लाउज़ भी पहन सकते हो बट अगर आपकी कोई गोल्डन साड़ी है उसमें ब्लू वर्क है अगर उसके साथ आप इसको वेयर करोगे तो बहुत ही गजब का लगेगा बहुत प्यारी लगेगी ये तो ये ब्लाउज़ का कलर आप जैसा देख रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे हो सकता है अच्छा कलर ना दिख रहा हो लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कलर है क्योंकि ब्लू कलर हम लोगों को बहुत ही कम अच्छे मिलते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट है अब अपने अगले ब्लाउज़ की तरफ चलें तो अगला ब्लाउज मेरा ये है ये भी कॉटन ही फैब्रिक का है बट ये प्योर कॉटन में नहीं है प्योर कॉटन में अभी मैंने आपको रेड दिखाया ये प्योर कॉटन में नहीं है बट कॉटन ही फैब्रिक का है फ्रंट आप देखोगे तो ऐसे राउंड नेक है बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी ऐसा राउंड मिलता है थोड़ा सा में भी आपको एक कपड़े की डोरी मिलती है और ऐसे टसल्स लगे हुए हैं जो कि कपड़े फैब्रिक के ही लगे हैं बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ से लोगों ने होकाई लगी है लेकिन थोड़ी सी जंग लग गई है आपको देख रहा होगा जंग लगी हुई है आप इसको चेंज कराइए और यहाँ से ओपन करके आप उसको बनवा सकते हैं फिर इसमें आप देखोगे बैक में भी और फ्रंट पे भी आपको ब्लैक कलर के ही फैब्रिक से ना पाइपिंग होके मिलेगी स्लीव आपको जो मिलती है स्लीव में भी आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको चुनट चुनट मिलेगा ये पहन के अच्छा लगता है और ये सब प्लेन साड़ी जो होती है ना आपकी प्लेन साड़ी अगर आपका पहनने का मन है उसके साथ अगर आपको इसको वेयर करना है जैसे मस्टर्ड येलो के साथ बहुत अच्छा लगेगा वाइट के साथ बहुत अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ भी ब्लैक जाएगा मतलब अच्छा लगता है ब्लैक ब्लाउज के साथ भी अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो ये ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इन सब के कोड आप को मेंशन हो रहे होंगे आप आराम से जाइए परचेस करिए जो ब्लाउज आपको पसंद आ रहा है आप वो ब्लाउज़ लीजिए मैं कोई ब्लाउज आपको वेयर करके नहीं बता पाई हूँ और मैंने एक ही ब्लाउज़ वेयर किया है बट आपको मैंने अच्छे से इसको सारी चीज़ों को बताया है तो आप ले सकते हो जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं आपको बता रही हूँ मेरी पसंद आपकी पसंद मैच करती है क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा अब अपने अगले ब्लाउज की तरफ चलें तो अगला ब्लाउज़ मेरा ये है ये मैंने एक और मंगवाया हुआ था उसको उसका उसका वीडियो या पिक्चर लगाऊँगी उसमें फ्रंट में ओपन था कॉलर थी यहाँ पे कॉलर थी फ्रंट में ओपन था बटन लगे हुए थे मैंने एक कॉटन की साड़ी के साथ अमेजोन की कॉटन की साड़ी के साथ पहना था ये सेम फैब्रिक है कोई भी फैब्रिक में अंतर नहीं है सेम सेम है बस ये समझिए कि उसका पैटर्न अलग बना है इसका पैटर्न अलग बना है ये आपको मिलेगा ऐसे राउंड नेक का ये फ्रंट है ये इसका आपको बैक ओपन मिलने वाला है बैक में इसमें हुक आई लगी हुई है काफी अच्छे तरीके से लोगों ने लगाया है मतलब आ, ये जो फैब्रिक को मोड़ा गया है ना इसमें ही आई बनाई गई है तो काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने बनाया है स्लीव की अगर हम बात करें तो ऐसा फुल स्लीव मिल रहा है अभी टाइम चल रहा है विंटर का और विंटर के टाइमिंग में फुल स्लीव ही आप लोग देखते हो तो फुल स्लीव के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है फुल स्लीव इसमें अंदर आप कोई भी ना ऐसा शॉर्ट वाला जो इनर आता है वो पहन लो आप तो आपको कहीं से कहीं ठंडी नहीं लगेगी क्योंकि इसका जो नेक है वो भी छोटा है तो आपका इनर नहीं दिखेगा तो आपको ये मिलता है इसमें भी कफ़ लगा हुआ है अच्छा लगा है ख़राब नहीं लगा है बट मुझे लगता है इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आप इसको अगर चाहो तो निकाल सकते हो नहीं चाहना है निकालना तो मत निकालिए ऐसे ही वेयर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा है इसको एक क्रॉप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको आप किसी भी लहंगे के साथ स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे वेयर कर रहे हैं तो ये भी मुझे अच्छी लगी क्वालिटी इसका फैब्रिक मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो इसके भी बारे में बता सकती हो कि ये क्वालिटी अच्छी है आराम से आप ले सकते हैं अब अपने लास्ट ब्लाउज के चले तो जो मेरा ब्लू कलर का ब्लाउज था उसी का मैंने एक अलग कलर ये भी मंगवाया ये भी आपको सेम मिलेगा इसमें आप देख रहे हो आपको वीन एक समझ में आ रहा होगा कहां तक आ रहा है इसमें भी आप फैब्रिक लगा लीजिए आपको अगर नहीं लगता है क्वालिटी वाइज सेम है सब कुछ सेम है सिर्फ और सिर्फ इसका कलर अलग है तो आपको ये बता दे रही हूं तो इसका ये भी कलर मुझे बहुत प्यारा मिला गोल्डन इसलिए मंगवाया क्योंकि गोल्डन तो बहुत ज्यादा यूज होता है तो गोल्डन तो आप आराम से मंगवा लीजिए आपको बहुत सारे में यूज हो जाएगा इसका रेड कलर बहुत प्यारा है ब्लैक भी बहुत प्यारा है मैं ब्लैक इसका ऑर्डर करूंगी तो उसका भी रिव्यू कर दूंगी कि कैसा लग रहा है देखने में बट गोल्डन आप मंगवा सकते हो तो ये थे मेरे आज के ब्लाउज़ कलेक्शन मेरा कौन सा ब्लाउज अच्छा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा आज की जो मैंने कुर्ती पहनी है ये मेरी अमेजॉन की है इसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और जिस तरीके से प्यार दे रहे हो देते रहो प्यार आपको अगर कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए है कि बिल्कुल अलग से स्पेशल कोई वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बहुत सारे लोगों के मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं जिनका आंसर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें डिले होती गई तो अब आप उसको स्टॉप करिए अब न्यू मतलब कोई भी नई चीज़ हो न्यू हो जो आपको चाहिए हो अभी वेडिंग के टाइम पे वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके वीडियो पे ज़रूर बनाऊंगी तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ अच्छे से वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिए अपने फैमिली का बाय बाय